स्वागत है आप सबका लंकन प्रीमियर लीग के मैच नंबर 3 के अंदर। डबल हेडर का दूसरा गेम है, मुकाबला है यहाँ पे बीलव कैंडी बनाम कोलंबो स्ट्राइकर्स के बीच में, जो खेला जाएगा आर प्रेमादासा स्टेडियम कोलंबो पे। मैच टाइमिंग है शाम के 7:30 बजे। बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे मैच देखने को मिलेगा। एक तरफ आपको यहाँ पेसरंगा दिखता है, सामने आपको बाबर आजम दिखेंगे, और जो पिछला मैच था कल के दिन कोलंबो स्ट्राइकर्स हार गया आरएस गेम के अंदर। तो लेट्स इस क्लैश के अंदर क्या होगा, अंत तक वीडियो देखना। हर एक प्लेयर के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे और प्लेयर्स का क्या रूल रहेगा इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। अब देखें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका क्या फायदा है, यहाँ पर लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है मैं टेलीग्राम पर दे देता हूँ। 7 बजे टॉस होगा, 7:10 तक प्लेइंग 11 आ जाती विद द बैटिंग ऑर्डर, मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करके दे दूंगा, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के ऊपर मैच है, बड़ा एक खूबसूरत मैदान है। इस वन के ऊपर कल पहला मैच हुआ था LPL सीजन 4 का, और उस गेम में क्या हुआ था भाई साहब, उसमें ये मैच था जाफना किंग्स और कोलंबो स्ट्राइकर्स का। इस गेम के अंदर जो टीम पहले बैटिंग करती है जाफना किंग्स की 174 का टारगेट देती, जाफना की टीम 5 विकेट गवा के फिर कोलंबो स्ट्राइकर चेस करने आती है कल के दिन, और 152 पर पूरी टीम सिमट जाती है। बहुत खराब प्रदर्शन दिया इससे पहले, 163 बना 5 विकेट गवा के जो टीम चेस करने आती है 19.2 ओवर्स के अंदर टारगेट चेस कर जाती है। ये भी सेम मैच था जाफना किंग्स और कोलंबो स्ट्राइकर्स का, लास्ट सीजन का LPL का फाइनल गेम था वो, उससे पहले 168 बना टारगेट चेस हो गया। आमतौर पर यहाँ पे टारगेट चेस हो जाते हैं, औसतन स्कोर आपको 160 से 170 के बीच में यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखें इस वेन्यू के ऊपर पिछले 5 मैचेस के अंदर बैटिंग फर्स्ट करते हुए 1 मैच जीता गया है, चेस करते हुए यहाँ पे 4 मैचेस जीते गए हैं, और यहाँ पे बी लव कैंडी की टीम 12 मैचेस खेल चुकी है, 4 मैच जीती है और 8 मैच हारी है। कोलंबो स्ट्राइकर्स की बात करें 14 मैच खेल के 6 मैच जीता है, और ये भी यहाँ पर ज़्यादातर मैचेस हारी है। दोनों टीम का रिकॉर्ड एक जैसा है, बट यहाँ पर बी लव कैंडी के अंदर आते हैं हसरंगा, देखना लायक रहेगा कैसा प्रदर्शन देते हैं इस मैच के अंदर। अकेले दम पे मैचेस जिताते हैं, आपने देखा होगा जिम्बाब्वे के अंदर ICC क्वालिफाइड थे वर्ल्ड कप के, अकेला भाई साहब वो चला था हसरंगा। अब देखें इस वन के ऊपर प्रति ओवर 8 के आसपास रन्स बनते हैं, और जो लास्ट मैच था उस गेम के अंदर 9 विकेट पेसर्स का था और 3 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स का था। एक लक्ष्य सद्दकन ने निकाला था पहली बारी में, और दूसरी बारी के अंदर 2 विकेट वहाँ पे विजय व्यासकांत के थे जो अपने लेग स्पिनर है। अब देखें इस वेन्यू के ऊपर लास्ट 5 मैचेस में हुआ क्या, पेसर्स ने 37 विकेट निकाला है, पहली पारी में 20, दूसरी पारी के अंदर 17, तो लगभग सेम सा नंबर है, बट फर्स्ट इनिंग्स में हल्का सा एडवांटेज मिलता है पेसर्स को। राइट आर्म पेसर्स का 31 है, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 6 विकेट है। स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स ने यहाँ पर 15 विकेट निकाले हैं लास्ट 5 मैच में, पहली पारी में 11, दूसरी पारी के अंदर 4, ऑफ स्पिनर्स का 7, लेग स्पिनर्स का 5, लेफ्ट आर्म चेयरमैन का 1 और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का यहाँ पर 2 विकेट है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पिचेस की फोटो डायमेंशंस की तरफ। ये आप देखें ये कल के दिन की पिच की फोटो है, जो मैंने सुना था कमेंटेटर से आपको बताता हूँ मैं, ये रिलेड पिच है। अब आप कहेंगे रिलेड पिच क्या होती है, रिलेड पिच का मतलब होता है जो पिच नई बनाई गई हो, पुरानी पिच को निकाल दिया गया हो और नई पिच यहाँ पर बनाई जाती है उसको रिलेड पिच बोलते हैं। तो ये रिलेड पिच है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और डायमेंशन यहाँ पे स्क्वायर बाउंड्रीज हैं 66 मीटर, सामने की बाउंड्री 75 मीटर है, लास्ट गेम में अपन ने देखा था ये। और रिलेड पिच होने की वजह से स्टार्टिंग के ओवर्स के अंदर पिच थोड़ी सी आपको ट्रिकी लगती है, फिर धीरे धीरे से जैसे मैच प्रोग्रेस होता है तो पिच अच्छी बनती जाती है, जो मैंने ऑब्जर्व किया वही बता रहा हूँ मैं। और ये आप देखिए इतनी सारी पिचेस थे स्टेडियम के ऊपर, इस पूरे स्क्वायर की पिचेस को रिले किया गया है, मतलब पुरानी पिच को बाहर निकाल के नई पिच यहाँ पर बनाई गई है। तो ये आप देखें ऐसी पिचेस यहाँ पर दिखती है, लास्ट गेम इस पिच के ऊपर हुआ था इस वाली पे, और मोस्टली ये मैच भी इसी पिच के ऊपर हो सकता है या फिर इस वाली पिच के ऊपर हो सकता है। दिन का दूसरा गेम है, चीज़ भी आपको ध्यान देनी है, डबल हेडर का दूसरा गेम है तो उसी पिच के ऊपर मैच होगा जिस पिच के ऊपर दोपहर के 3 बजे मैच होने वाला है। या आप देखें स्टेडियम का व्यू, बहुत ही प्यारा स्टेडियम है, ड्रोन व्यूज मैंने आपके लिए निकाले हैं, ये बड़े खास ड्रोन व्यूज है। यह आप देखो स्टेडियम का। चलते हैं न्यूज़ की तरफ। बी लव कैंडी के कोच है सिमन हैमलेट और कैप्टन हसरंगा, एक भी बार टाइटल्स नहीं जीते, लास्ट ईयर उन्होंने क्वालिफायर नंबर 2 खेला था। कोलंबो स्ट्राइकर्स लास्ट ईयर रनर अप्स थे पर पहले मैच में हार का सामना करते हैं अगेंस्ट जाफना। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 7 मैच खेला है, कोलंबो स्ट्राइकर्स 5 मैच जीती है, बिलव कैंडी 2 मैचेस जीती है। 11 की बात करते हैं, फकर जमान अगर अवेलेबल होते हैं तो ओपन करेंगे वरना नहीं करेंगे, रीजन मैं समझाता हूँ क्या है। अभी बहुत से प्लेयर्स ग्लोबल कैनेडा T20 लीग खेल रहे हैं कैनेडा के अंदर, इस वजह से आपने देखा होगा शोएब मलिक ने पहला मैच नहीं खेला और इफ्तिकार अहमद ने भी पहला मैच नहीं खेला था फॉर कोलंबो स्ट्राइकर्स।
फगर जमान डाउटफुल है, पहले ही कह रहा हूँ मैं, जो सच्चाई हुई कहता हूँ मैं, ऐसे नहीं कहूँगा मेरे को सब पता है, क्योंकि इनकी न्यूज़ आई नहीं है कुछ, और कोई फोटोज आई नहीं मीडिया के ऊपर, वरना इनकी मीडिया के ऊपर फोटो आ जाती है, सोशल मीडिया के ऊपर श्रीलंका पहुंच जाते हैं, तो मुझे को लग रहा है हाई चांसेस है मिस करेंगे। दिनेश शांतिमल ओपन कर सकते हैं तनुका दबारे के साथ, बहुत अच्छा क्रिकेटर है ये, या फिर मोहम्मद हरिस भी ओपन करने आ सकते हैं, पाकिस्तान के ओवरसीज प्लेयर हैं, एंजेलो मैथ्यूज, सान अर्चिंगे आते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं ये, हसरंगा आपको दिखेंगे, आमिर जमल बहुत तेज बॉलिंग करता है, बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है, ईश्वर उदाना, मोहम्मद हसनैन, दुश्मंता चमीरा आपको यहाँ पे फिट होता है तो खेलता हुआ दिख सकता है। सरफराज भाई रिप्लेस कर सकते हैं फ़खर जमान को, अगर फ़खर जमान मौजूद नहीं होता है तो। मुजीब ऑफ स्पिनर है, तगड़ा गेंदबाज है, तो शायद आपको 11 बनाई दिखे, बिकॉज पहले इनके पास ऑफ लेग स्पिनर है वरुण दोसरंगा, पार्ट टाइमर ऑफ स्पिनर सान अर्चिंग है जो पार्ट टाइमर से मच बेटर बॉलर है, इनके पास एहसान बंडर है, कमुंडू मेंडिस है, नुआन प्रदीप जैसा गेंदबाज है, धनंजय आई मीन वरुण दोसरंगा का भाई चतुरंगा डिसिल्वा भी है, जी हाँ, अगर आप नहीं जानते असरंगा का भाई है चतुरंगा डिसिल्वा, जो आपको दिख रहा है ना लेफ्टी बैटिंग करता है ये, तो इस टीम में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। बात करते हैं कोलंबो की, डिकविला ओपन करेंगे बाबर के साथ, पतुम निशांका, नुवेंदु फर्नांडो, मोहम्मद नवाज, यशोदा लंका, चमिका करतने, रमेश मैंडिस, नशीम शाह, फिर आपको यहाँ पर लक्षण संदगन और मातिशा पतिराना दिखता है। प्लेयर के स्टैट्स की बात करते हैं, फखर जमान हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म देखे 21-73, 23-36, 33, अच्छे टच के अंदर है ये, रिसेंटली अभी कनाडा के अंदर खेल रहा है, 70 रन करके आ रहा है। चांदीमाल एक्स प्लेयर है कोलंबो स्ट्राइकर्स के, पहले इस टीम के लिए खेलता था कोलंबो स्ट्राइकर्स के लिए, 46 मैचेस में 35 की औसत है, 1300 रन से सोने को बहुत पसंद करता है, इस वेन्यू के ऊपर आरपीएस स्टेडियम मतलब आर प्रेमदासा स्टेडियम के ऊपर 950 है, 830 है 44 इनिंग्स में, फॉर्म 111 नाबाद 10, तो लेट्स सी चांदीमाल इस मैच के अंदर क्या करता है, कि आपकी चांदी लगा सकता है, देखने लायक रहेगा। फिर आते हैं यहाँ पे तनुका दबारे, हाईली रेट किया जाता है इसको, जब मैं प्री गेम शो देख रहा था एक दो दिन पहले, तो उसके अंदर ये कहा गया था, प्री गेम शो नहीं कहेंगे उसको, मतलब इंटरव्यू टाइप कहेंगे, प्री गेम शो तो कल था, इंटरव्यू में जब देख रहा था तो उसके अंदर ये 3-4 प्लेयर्स थे जिनका बहुत ज़्यादा नाम लिया जा रहा था, एक तनुक दबारे थे, शिवोन डैनियल करके एक प्लेयर है, तो इनको हाईली रेट किया जाता है यहाँ पर, ये इमर्जिंग स्टार क्रिकेटर्स है जैसे इंडिया के अंदर शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ होते हैं, तो देखने लायक रहेगा किस तरह से यहाँ पे तनुका दबारा खेलते हैं। दो मैचेस में हेड टू हेड के अंदर 69 रन है, 141 का स्ट्राइक रेट है, बैटिंग फर्स्ट 36-33, ओवरऑल T20 करियर देखते हैं, बैटिंग फर्स्ट 25, स्टेज के ऊपर 17 की औसत है, वेन्यू के ऊपर 7 मैचेस में 122 रन है, बैटिंग फर्स्ट 5-5, 33-67, 6 स्टेज के ऊपर 4, दो रिसेंट फॉर्म 2 रन 1 विकेट, 59 रन 0 विकेट, 10 रन 0 विकेट, 37 रन 1 विकेट, 56 रन 1 विकेट, 0 रन 7 रन 1 विकेट, अच्छा क्रिकेटर है। हैरिस हेड टू डेवेन्यू निकला, फॉर्म 2-52-54-9-17 नाबाद 0-1-15-6। आते हैं एंजेलो मैथ्यूज, एक्स क्रिकेटर है ये, अगर आप नहीं जानते, पहले कोलंबो स्ट्राइकर्स की कैप्टनसी करता था, जो टीम है ना अपोनेंट इनकी, इसकी कैप्टनसी करता था, 29 मैचेस में 560 रन से इस मैदान के ऊपर, आरपीएस के ऊपर 117 का स्ट्राइक रेट है, 27 के यहाँ पर औसत है भाई की, 350 है यहाँ पे, इस वेन्यू के ऊपर 3 बार 30 किया है 29 इनिंग्स के अंदर इसने, 30 मतलब समझते हो 30 से 50 के बीच में कितना स्कोर किया है, 13 विकेट है, रिसेंट फॉर्म कोई खास नहीं है ज्यादा, 36 और 12। सहान अर्चिंगे स्टार क्रिकेटर इसको माना जा रहा है, और ये अचानक से आपने देखा होगा क्वालिफायर्स के अंदर सेटअप के अंदर आया था, ये जो श्रीलंका की टीम है, शायद आपको वर्ल्ड कप में भी देखने को मिल सकता है, 3 मैचेस में 56 रन से 1 विकेट है, बैटिंग फर्स्ट 53, चेस के ऊपर 3, ओवरऑल T20 करियर, बैट फर्स्ट 39, चेस के ऊपर 18 की औसत है, वेन्यू के ऊपर 7 मैचेस में 94 रन है, 140 का स्ट्राइक रेट है, बैटिंग फर्स्ट 14-53, चेस के ऊपर 6, 2 नाबाद 19 नाबाद, रिसेंट फॉर्म 1 नंबर, 97 रन 1 विकेट, 48 रन 1 विकेट, ये खेला था ACC इमर्जिंग एशिया कप, 3 रन 0 विकेट, 2 रन 2 विकेट, 57 रन 1 रन, 44 रन 0 विकेट, 63 रन 50 रन, ये है ना जो प्लेयर, ये खरा सोना बनता जा रहा है धीरे धीरे। हसरंगा 7 मैचेस में 162 रन, 9 विकेट हैं, 200 का स्ट्राइक रेट है, बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं ये, बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 1 विकेट है, बॉल सेकंड 5 मैचेस में 8 विकेट हैं, 3 बार विकेट लेस गेम, और ये भी शायद कह सकते हैं कि मैं नंबर 4 या नंबर 3 पे बैटिंग करूंगा, कह सकते हैं बिकॉज ये कैप्टन्स भी कर रहे हैं, और शादाब खान ने भी बहुत बार किया है कि वो टॉप ऑर्डर के अंदर बैटिंग करने आते हैं, और ये भी उसी टाइप के मेरे को प्लेयर लगते हैं। वेन्यू के ऊपर 26 मैचेस के अंदर 344 रन से 30 विकेटें हैं, 18 का स्ट्राइक रेट है, बॉलिंग फर्स्ट 12 मैच में 16, बॉल सेकंड के अंदर 14 मैचेस में 14 विकेट है, वेन्यू के ऊपर 11 बार विकेट लेस भी गया है, दिस आर द शॉकिंग नंबर्स। रिसेंट फॉर्म 29 रन 2 विकेट 0 विकेट, 20 रन 2 विकेट, 15 रन 2 विकेट, 5 विकेट 5 विकेट 6 विकेट, कहाँ निकाले थे, जिम्बाब्वे के अंदर। आते हैं आमिर जमल, बहुत तेज डालता है, 90 mph के ऊपर इसकी स्पीड है,
और एक साल के अंदर ये बहुत ज़्यादा क्रिकेट के अंदर आया है, मतलब टीम्स के आंखों के अंदर। फॉर्म 19 रन 2 विकेट, 24 रन 1 विकेट, 0 रन 1 विकेट, 4 रन 3 विकेट, 5 रन 5 विकेट, 4 रन 4 विकेट। ये भी बहुत अच्छा गेंदबाज है, बॉलिंग फर्स्ट में डेथ ओवर में बॉलिंग करने आएगा। उडाना 5 में 3 विकेट्स है, डेथ ओवर में बॉलिंग जरूर करता है, बॉलिंग फर्स्ट में आप ट्राई कर सकते हो, बॉलिंग सेकंड में लॉजिक नहीं बनता। नॉक की इकोनॉमी है और 29 रन है, बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 3 विकेट है, बॉल सेकंड के अंदर 2 मैच में 0 विकेट्स है। वैनी के ऊपर 33 मैच में 31 विकेट्स है, 9 की इकोनॉमी है, 17 का स्ट्राइक रेट, हर 17 बॉल में 1 विकेट निकालता है। रिसेंट फॉर्म ज़्यादा खास नहीं है विद द बॉल, आप देखें विकेटलेस विकेटलेस विकेटलेस, 3 विकेट 1 विकेट, विकेटलेस 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 1 विकेट। तो मैं गिन के कह सकता हूँ 5 मैच 5 विकेट निकाले इसने कुछ पिछले 10 मैचेस के अंदर। अश्विन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट 0-2-1-3-2 बहुत इंपॉर्टेंट है फैंटेसी के अंदर, कैप्टन तक कर सकते हो। चमीरा एक्स प्लेयर है कोलंबो का, वेन्यू के ऊपर 27 मैच में 30 विकेट, बॉल फर्स्ट 2 मैच में 1, बॉल सेकंड के अंदर। इसका वेन्यू के ऊपर जो स्टैट्स इसमें करेक्शन है, बॉलिंग फर्स्ट के अंदर 15 मैचेस में 22 विकेटें हैं, बॉलिंग फर्स्ट में 1 नंबर स्टैट्स है, बॉल सेकंड के अंदर 12 मैच में सिर्फ 8 विकेटें हैं यहाँ पे जो चमीरा भाई साहब हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, बॉलिंग फर्स्ट 15 में 22, बॉल सेकंड के अंदर 12 मैचेस में 8 विकेटें हैं। फॉर्म 4-2-0-0-3-1, अच्छा बॉलर है। सरफराज खेल सकते हैं, रिसेंट फॉर्म 29-3-27-41-16-39-5, एंकर का रोल अदा करते हैं, सिंगल डबल। मुझे उसका रिसेंट फॉर्म बहुत ख़राब है, अभी T10 लीग खेल के आ रहे हैं, जिम्बाब्वे के अंदर बहुत ख़राब बॉलिंग करी थी वहाँ पे। एहसान भंडारा 15 मैचेस में 300 रन्स है, वेन्यू के ऊपर बहुत अच्छे नंबर्स हैं, 40+ औसत और बहुत अच्छा फील्डर है, श्रीलंका के अंदर वन ऑफ द बेस्ट फील्डर है ये, मतलब भया ही नहीं कर सकता मैं, इतनी अच्छी फील्डिंग कर लेता है ये। हेड टू हेड के अंदर 5 मैच में 84 रन्स है, खेल सकता है, चांसेस है, सैन बंडर इज अ गुड प्लेयर। कमिंडो मेंडिस भी हाईली रेट किया जाता है बट T20 के अंदर नाम थोड़ा छोटा है, 6 मैचेस में 95 रन्स हेड टू हेड के अंदर। वेन्यू के ऊपर 21 मैच में 19 की औसत है। अनुवान प्रदीप 7 मैच में 12 विकेटें हेड टू हेड के अंदर, वेन्यू के ऊपर 17 मैच में 18 विकेटें हैं। चतुरंगा डिसिल्वा 5 मैच में 1 विकेट, असरंगा का भाई है ये, वेन्यू के ऊपर 23 मैच में 13 विकेटें हैं। लहरू मधुशनाका 2 मैचेस में 1 विकेट हेड टू हेड के अंदर, वेन्यू के ऊपर 19 मैच में 6 विकेटें हैं मात्र। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आपको 11 में देखने को मिल सकते हैं। स्टार्टिंग और हसनैन आमिर जमला तो मुजीब में से कोई एक, चमीरा उडाना, रेतर के अंदर हसनैन चमीरा उडाना। बाबर आजम की तरफ चलते हैं, पिछले मैच के अंदर 7 रन पे आउट हो गए और तीसरा परेरा ने बोल्ड किया। रिसेंट फॉर्म 7-1-107-54-65-49-19-1-101 नाबाद। इस मैच में बेटर ऑप्शन आपके पास कैप्टनसी का है हसरंगा। निरोशन डिकवेला 6 मैचेस में 14 की औसत है, एटवुड के अंदर 83 रन्स है, बैटिंग फर्स्ट 25-37-12-0, चेस के ऊपर 4 और 5 है। लास्ट गेम में बहुत अच्छी इनिंग्स थी, 58 रन की, अटैकिंग प्लेयर है। वेन्यू के ऊपर 26 मैच में 627 रन है, 144 का स्ट्राइक रेट है, 6 50s है यहाँ पर, 4 30 है 26 इनिंग्स के अंदर। पत्तुम निशांका 0 रन है यहाँ पे चेस करते हुए। वेन्यू के ऊपर 13 मैचेस में 11 की औसत, 132 रन्स है। रिसेंट फॉर्म 123-104-101 नाबाद, रिसेंट फॉर्म में इनका थोड़ा अच्छा रहा है। कहने का मतलब यह है कि इनका फॉर्म तो सही है लेकिन भाई साहब वेन्यू के ऊपर नंबर्स बड़े ठंडे हैं, 13 मैचेस में 132 रन, और बैटिंग फर्स्ट में अच्छा करते हैं, T20 के अंदर 30 की औसत है, तो बैटिंग फर्स्ट में आप इनको एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन देख सकते हैं। वेंदो फर्नांडो 3 मैचेस में 76 रन, बैट फर्स्ट 7-13-56, ये चेस पे ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। वेन्यू के ऊपर 11 मैचेस में 15 की औसत है, 150 रन्स है, रिसेंट फॉर्म 17-0-7-2-4-0, फॉर्म कंसर्न रहा है। नवाज पिछले मैच इनका डेब्यू था LPL के अंदर, 3 रन किया था बल्ले से और 0 विकेट्स निकाले थे, 4 ओवर स्पेल था, सबसे इकोनॉमिकल स्पेल था फॉर द कोलंबो स्ट्राइकर्स। लास्ट गेम के अंदर 6 रन दिया था प्रति ओवर, 24 रन का स्पेल था इसका। फॉर्म 3 रन 0 विकेट 11 रन 0 विकेट, विकेटलेस जा रहा है, पिछले 6 मैचेस के अंदर विकेटलेस गया है, बट लेट्स सी कैसा प्रदर्शन देता है। यशोदा लंका नाम भी तगड़ा रखा है भाई लोगों ने, 1 मैच में 11 रन से चेस करते हुए, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक रहा है इसका, नीचे बैटिंग करता है, फैंटेसी प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चमिका का 2 मैच में 2 विकेट हेड टू हेड के अंदर 8 रन है और 0 विकेट से इसके 2 मैचेस के अंदर हेड टू हेड के अंदर बॉलिंग सेकंड करते हो, करेक्शन है पर 2 विकेट नहीं है। और वेन्यू के ऊपर 27 मैचेस में 14 विकेटें हैं, 215 रन विद द बैट है। लास्ट गेम में बल्ले से रन भी किए थे इसने, रनआउट भी किया था वहाँ पे, खुद भी रनआउट हो गया और 1 विकेट भी निकाला था भाई ने, बहुत अच्छा गेम था चमिका का, 70-80 पॉइंट देखे गया था, खुद भी रनआउट हुआ और दूसरों को भी इसने रनआउट किया था मैच के अंदर बॉलिंग खुद फील्डिंग करते हुए। रमेश मैंडिस 5 में 6 विकेटें हैं, 67 रन्स विद द बैट, बट वही बात है सामने लेफ्टीज होंगे तो ही बॉलिंग करते हैं, वरना ज़्यादा बॉलिंग आती नहीं है। वेन्यू के ऊपर 19 मैच में 10 विकेटें हैं, लास्ट गेम में 1 ओवर का स्पेल था, बल्ले से 17 रन थे। नसीम शाह में देख के शौक था भाई ने, सिर्फ 3 ओवर का स्पेल डाला, 1 मैच में 1 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो।
लक्षण संदकन 3 मैचेस में 5 विकेट है, लेफ्ट आर्म चेयरमैन स्पिनर है, बॉल फर्स्ट 2 मैच में 3, बॉल सेकंड 1 मैच में 2 विकेटें हैं। वेन्यू की बात करें तो 12 मैचेस में 12 विकेटें हैं, बॉल फर्स्ट 7 मैच में 8, बॉल सेकंड 5 मैच में 4 विकेटें हैं। मतीशा पतिराना 5 मैचेस में 4 विकेटें हैं, खराब स्पेल था लास्ट गेम के अंदर, मार खा रहे थे वहाँ पे वंडर से, 2 मैचेस में 6 विकेट निकाल चुका है इस टीम के अगेंस्ट, इसने बेस्ट बॉलिंग फिगर निकाला था 6 विकेट हॉल, जी हाँ इसने निकाल रखा है पहले। वेन्यू के ऊपर 21 मैच में 20 विकेटें हैं। इफ्तिकार भाई 2 मैच में 0 रन है एटवुड के अंदर, वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 49 रन है, सबके स्टैट्स यहाँ आप देख सकते हो, लेट्स सी इस गेम के अंदर क्या होगा। धनंजय लक्षण एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, एटवुड के अंदर 3 मैच में 5 विकेट 24 रन है, वेन्यू के ऊपर 10 मैच में 9 विकेट 56 रन है। चलते हैं अब किसकी तरफ, स्टार्टिंग ओवर नशीम शाह चमीका नवाज, जितने के अंदर पतिराना नशीम चमीका। पिछले गेम में देखो क्या हुआ था, नशीम शाह का पहला 3रा 17वां था, नवाज का 2रा 10वां 12वां 15वां, रमेश मेंडिस का 4था था, पतिराना का 5वां 13वां 18वां 20वां, चमीका का 6वां 8वां 16वां 19वां, संदगन का 7वां 9वां 11वां 14वां था। चलते हैं मैचअप्स की तरफ, फकीर जमान वर्सेज मैचअप देखने को मिलेगा मोहम्मद नवाज का। 8 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है मोहम्मद नवाज ने फकीर जमान को, 41 बॉल में 38 रन देके। जेफरी वंडर से 2 इनिंग्स में 2 बार आउट कर चुका है, 16 बॉल में 13 रन देके। फकर जमान अगेंस्ट लेग स्पिन स्ट्रगल करते हैं, 51 इनिंग्स के अंदर 20 बार आउट हो चुके हैं अगेंस्ट लेग स्पिन, 318 गेंद में 444 रन है। चांदीमाल वर्सेस चमीका, 4 इनिंग्स में 3 बार आउट हो चुके हैं चमीका के सामने चांदीमाल, और 18 बॉल में मात्र 25 रन है। वहीं बात करते हैं धनंजय लक्षण, 17 बॉल 31 रन, 3 इनिंग्स में 2 बार आउट कर चुके हैं धनंजय लक्षण, इनको लेग्समैन के सामने स्ट्रगल रहता है हल्का सा, 38 इनिंग्स में 11 बार अगेंस्ट लेग्समैन आउट हो चुके हैं। तनुका दबारे की बात करें, अगेंस्ट लेग्समैन स्ट्रगल करता है, 3 इनिंग्स में 2 बार आउट हुआ है, वंडरसन ने इसको 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। हैरिस वर्सेस लेग्समैन दिक्कतें होती हैं, अटैकिंग क्रिकेटर है। एंजेलो मैथ्यूज वर्सेस लक्षण संदगन, 18 बॉल 14 रन, 4 इनिंग्स में 2 बार आउट हो चुके हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुई इस मैच के अंदर, और लेट्स सी कैसा प्रदर्शन देते हैं। सान अरचंगे नहीं खेला है हेड टू, मतलब ज़्यादातर इसने मैचेस नहीं खेले, हेड टू तो खेल रखा है, मैचअप्स नहीं है इसका। हसरंगा वर्सेस लेग्समैन 27 इनिंग्स में 13 बार विकेट दे चुका है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के सामने भी फंसता है, सरफराज भाई का मैचअप नहीं है। इफ्तिकार चाचा वर्सेस भंडारा, 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। कमुंडू मेंडिस वर्सेस रमेश मेंडिस, मेंडिस वर्सेस मेंडिस, 16 बॉल 11 रन, 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया हुआ है, ऑफ स्पिन के सामने फंसते हैं, 16 इनिंग्स में 5 बार आउट हो चुके हैं कमुंडू मेंडिस, और लेग्समैन के सामने 13 इनिंग्स में 5 बार आउट हो चुके हैं। पोतम निशांका वर्सेज मुजीब, 8 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है, 78 बॉल में 65 रन देके। और बाबर आजम की बात करें, इनका मैचअप बनता है मोहम्मद हसनैन के सामने, नुआन प्रदीप के सामने। नुआन प्रदीप ने तो भाई साहब 5 इनिंग्स में 4 बार आउट किया है बाबर आजम को, 38 बॉल में 31 रन देके। हसनैन ने 6 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है, 48 बॉल में 75 रन देके। देखने लायक रहेगा कैसा इस गेम के अंदर इनका मैचअप होता है। निरशन डिकवेला वर्सेज एंजेलो मैथ्यूज, 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया भाई को, 10 बॉल में 6 रन देके। उडाना ने 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया, चमीरा ने इनको 3 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। अटैकिंग प्लेयर है, रिस्की गेम रहता है, दिन हुआ तो अच्छी पारी खेल जाएगा ना सस्ते में आउट हो सकता है। वंदो फर्नांडो वर्सेस उड़ाना, 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया, 9 बॉल में 8 रन देंगे। इफ्तिकार का देख लिया आप, नवाज वर्सेस उड़ाना 5 बॉल 10 रन, 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। चमीका भाई की बात करें तो चमीका वर्सेज हसरंगा, 13 बॉल 5 रन, 3 इनिंग्स में 1 बार आउट कर चुके हैं, और चतुरंगा डिसिल्वा ने भी 1 बार आउट किया है। साइन अप कर सकते हो विजन एलन के ऊपर, क्या फायदा, फ्री के अंदर आपको यहाँ पे ₹500 साइन बोनस मिलता है, हर मैच के अंदर आपको LPL के अंदर विजन एलन के ऊपर ₹50,000 का गिव अवे देखने को मिलता है, तो साइन अप कर लेना, रेफर कोड स्टैट्स गुरुजी, लिंक अंदर डिस्क्रिप्शन। चलते हैं इंटरव्यूज, देखो बहुत कम है कंपेयर टू द रेस्ट। कॉमन कैप्टन बाबर हसरंगा अलग जाना, तो चांदीमाल एक स्पेशल प्लेयर लग रहा है मेरे को, नवाज भी एक अच्छा क्रिकेटर जिसके पास ऑलराउंड वैल्यूज है, नंबर 3 डाउन या 3 डाउन के आसपास बैटिंग करता है और 4 ओवर का स्पेल डालता है ये, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। निशांका आयरिस को रोटेट कर सकते हो, दोनों अच्छे बैटर्स हैं अपने अपने देश के लिए, साइन अप कर सकते हो। किसके ऊपर बताई दी आपको मैंने, वो सब छोड़ो, मेन चीज़ क्या है, 1 मिलियन का मिशन है भाई, वो पूरा करा दो आप, और मोबाइल ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएगा स्टैट्स गुरु नाम से, आप जाकर स्टैट्स चेक कर सकते हो, जो वीडियो में मैंने आपको दिखाए हैं सारे, ऐड फ्री पूरा ऐप है। टीम्स की बात करते हैं, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। यहाँ पर कैप्टन किया मैंने असरंगा को, वाइस कैप्टन बाबर आजम, आप रीजन जानते हो, दोनों वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स हैं। यहाँ पर आपके पास वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन है, जो टीम पहले गेंदबाजी करे उसके डेथ और बॉलर्स को आप वाइस कैप्टन कर सकते हो, जैसे कि पहले गेंदबाजी करती कोलंबो, पतिराना एक अच्छा ऑप्शन है, अगर फिर बिलव कैंडी पहले गेंदबाजी करती है तो चमीरा और असनर में से किसी एक को आप वाइस कैप्टन कर सकते हो। नवाज भी अच्छा ऑप्शन है, चमीका निशांका मोहम्मद हैरिस, मैं अभी भी वही कहूँगा
डिक वेला का पहले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस आया था, 95 रन की पारी खेली थी, बट एक ऐसा क्रिकेटर है जो 8 मैच खेलेगा इस टूर्नामेंट के अंदर और 2 या 3 मैचेस में मुश्किल से चलेगा। जितना मैंने ऑब्जर्व किया मैं वही कह रहा हूँ, पहले मैच में चला इसका मतलब ये नहीं पूरे टूर्नामेंट में चलेगा। इसका टूर्नामेंट हुआ तो फिर बात अलग है, अलग ही फॉर्म में आ गया तो, बट जो रियलिटी है मैं वही कह रहा हूँ, सिर्फ डिकवेला पहली बॉल से मारना चालू करता है, सामने चमीरा जैसे बॉलर है, अश्विन जैसे बॉलर्स है, विकेट निकाल सकते हैं इजिली। बात करते हैं हैरिस की, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। चांदीमाल मैंने फिलहाल नहीं लिया है यार, ऐसे कैसे हो सकता है, चांदीमाल को मैं कैसे भी करके ले लूँगा या तो हैरिस को निकालूंगा अगर वो डाउन द ऑर्डर खेलेगा। एक चीज़ याद रखना, अगर मोहम्मद हैरिस ओपन नहीं करता या 1 डाउन नहीं खेलता, 2 डाउन भी खेलेगा तो मैं फिर चांदीमाल को ले लूँगा। चांदीमाल कंफर्म ओपन करने वाला है, या फिर मैं डिकवेला को निकाल के हैरिस को रख लूँगा अगर हैरिस टॉप ऑर्डर के अंदर बैटिंग करता। मैं पहले कह रहा हूँ हैरिस टॉप 3 में बैटिंग करेगा तो टीम में रहेगा, चांदीमाल को तो मैं वैसे ही लूँगा ही, और डिकवेला आप अपने फिर रिस्क ले सकते हो। बाबर इंपॉर्टेंट है, अगर जमान शायद खेलेंगे तो ले लेना, मैंने अभी निशांको को लिया हुआ है और कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन से हसरंगा इंपॉर्टेंट, नवाज इंपॉर्टेंट, चमिका है, यहाँ से एंजेलो मैथ्यूज को ट्राई कर सकते हो आपका मूड हो तो। दबार एक अच्छा क्रिकेटर है ग्रैंड लीग के लिए, 2 सिलेक्शन परसेंटेज है, 0.4 आई मीन। फिर आते हैं यहाँ पर नशीम शाह इंपॉर्टेंट है, नवा फिर चमीरा इंपॉर्टेंट रहेंगे खेलते हैं तो, पति राणा इंपॉर्टेंट है, हसनैन मैंने लिया हुआ है, आप रोटेट कर सकते हो यहाँ पर उडाना को बॉलिंग फर्स्ट के अंदर। तो देखते रहे स्टैट्स, सुरुजी लिंक ऑफ द टेलीग्राम चल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं रात को 7 बजे, सी सून, जय हिंद।